Hi, Shaks. Hello. ये है हमारा दिल. अरे, hello दिल. जब खुश होता है तो उछलने लगता है. I like it. जब ये रूठ जाता है तो ये बैठ जाता है. जब ये आइसक्रीम देखता है तो ये जिद्दी बन जाता है. और जब किसी लड़की को देखता है तो मचलने लग जाता है. यहाँ तो तीन लड़कियां हैं और मचलना चाहिए. और जब किसी को रूठा हुआ देखता है तो इमोशनल हो जाता है. पर आखिरकार है तो ये दिल ना, और दिल के पास दिमाग नहीं होता. और ऐसे में एक छोटी सी चूक इसके लिए और हमारे लिए आखिरी चूक बन सकती है, क्योंकि ये जो महसूस करता है वो बयां नहीं कर पाता. स्मार्ट, वेरी क्यूट. मैं रजत जैन. मैं नितिन चंदोला. मैं सौरभ बडोला. मैं सबित रावत. हम हिमालय की गोद उत्तराखंड देहरादून से आए हैं. वी आर सनफॉक्स टेक्नोलॉजी. भारत में हर साल 20 लाख लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं. 4 में से 1 मौत आज भी हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, जिसका मेन कारण सही समय पे सही जगह पे आपका मेडिकल डिवाइसेस ना होना है. दिल की समस्या के लिए बेसिक टेस्ट होता है ECG, जो कि आज से 100 साल पहले इन्वेंट हुआ था, जो कि आज भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है. सही समय पर ECG ना मिल पाने की वजह से हम लाखों जाने गवा देते हैं. तो सोचिए शाक, अगर सही समय पर हम ECG उपलब्ध कर पाए और इजीली उपलब्ध कर पाए तो कितनी जाने हम बचा पाए. और एग्जैक्टली यही काम हमारा डिवाइस स्पंदन करता है. बहुत ही छोटा है. स्पंदन एक पॉकेट साइज ECG डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, कहीं भी, बिना किसी डॉक्टर की सहायता के अपने स्मार्टफोन पे अपना ECG कर सकता है. Amazing. ये छोटा सा दिखने वाला डिवाइस 99.7% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, और ये घर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हम घर पे BP शुगर की मशीन इस्तेमाल करते हैं. शाक, हम लोगों ने स्पंदन का यूज करके कोविड के टाइम में बहुत लोगों की तो हेल्प की ही है. साथ ही साथ मेरे लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि मैंने अपने पापा की मदद की है अर्ली डायग्नोसिस करने में हार्ट एबनॉर्मलिटी को. शाक, हम लोग एक ग्लोबल मिशन पे हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में इस दुनिया में एक भी मौत प्रिवेंटेबल एंड अनडायग्नोस्ड हार्ट अटैक की वजह से ना हो. तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से. ये आपसे परमिशन लेगा, आपको बस 2 बार ओके करना होता है. तो ये आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, ग्रीन इज द सिग्नल. तो ये सारे टेस्ट आप ले सकते हैं. लीड 2 इज फॉर अरिथमिया, स्पेसिफिकली फॉर अरिथमिया. 7 लीड इज फॉर चेस्ट लीड, और 12 लीड जो आप बोलते हैं डायग्नोसिस पर्पज से, जब डॉक्टर को आपको रिपोर्ट शेयर करनी है, तो इट्स अ प्रॉपर 12 लीड ECG. तो ये आपका पोजीशन है. अभी हम लीड 2 ECG टेस्ट ले रहे हैं. जैसे जैसे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने चेस्ट पर इसे लगा सकते हैं. ओनली 3 chest leads आर रिक्वायर्ड. ठीक है, ये तो आसान है. यस, रेड वाला राइट पे है, ग्रीन वाला लेफ्ट आर्म में है, येलो वाला लोअर लिम में है. आफ्टर दैट आप बस स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करके 10 सेकंड के लिए आपका ECG यहां पे रिकॉर्ड होगा. सो दिस इज हाउ योर ECG इज रिकॉर्ड. तो ये आपका ग्राफ आ गया. Your heart rate is fantastic. Yes. So green safe है. Yes. Yellow borderline है. Okay. Red is abnormal. अगर red पे आए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ abnormality है. You have to go to doctor या फिर further test लेना पड़ेगा. आपका heart rate 108 है. हाँ. आप nervous हैं? I'm a bit excited about this. Excited है. मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि इससे पहले आप क्या करते थे, कब शुरू किया आपने ये? इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, और मोर देन 87% गाँव में इंटरनेट का पेनिट्रेशन है अभी, पर हेल्थ सर्विसेज अभी भी हर जगह नहीं पहुंची है. मैं खुद एक गांव में पला बड़ा हूँ. मैंने अपनी पूरी लाइफ देखा है कि लोग हेल्थ सर्विसेज ना होने की वजह से अल्टीमेटली मर ही जाता है, क्योंकि जब तक वो एक फैसिलिटी तक पहुँचते हैं तो वो बहुत लेट हो चुका होता है. उस केस में डॉक्टर्स भी मदद नहीं कर पाते, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि लेट्स स्टार्ट समथिंग जिसमें कि हम एक्चुअली मेडिकल डिवाइसेस को बना पाएं, सस्ते में सही टाइम पे लोगों को पहुंचा पाए. तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में सनफॉक्स शुरुआत की. जब हम लोगों ने कंपनी शुरू की, जब स्टार्टअप करना कूल नहीं था. दूसरा, रिसोर्सेज. हम लोग डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है. तो हम लोगों को रिसोर्सेज भी बनाने थे और यू नो प्रोडक्ट भी बनाना था. बट जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रो करना शुरू किया, फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस टिल लास्ट, जब हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया,
तो उसके बाद मेरे फादर थे कि ठीक है, अगर घर भी बेचना पड़ा तो मैं घर बेच दूंगा, बट जो तुम करना चाहते हो करो। हम लोगों का विजन यही है कि इस देश में, इस दुनिया में एक भी मौत मेडिकल इक्विपमेंट की कमी से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आई फाइंड दिस टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि इसमें रिसर्च आज से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो सही। और दुनिया के टॉप एआई साइंटिस्ट, टॉप मेडिकल फील्ड बिजनेस पीपल आर ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा क्या तोड़ निकाल लिया आपने कि और कोई दुनिया में नहीं कर पाया है? अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि आज से पहले नहीं हुए। अगर ECG मशीन्स की मैं बात करूं, पोर्टेबल सेगमेंट है, आपको 10-15-20 मशीनें मिल जाएंगी। हम लोगों ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगाया जो इसको कॉम्प्लिकेट करता हो। हम लोगों का सिंपल फंडा है, जिसकी जरूरत नहीं है हटा दो। वो आपको कॉस्ट भी नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं करेगा और अनवांटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगा। अगर मैं डिवाइस की बात करता हूँ, कोई बैटरी तक नहीं लगी है, कोई रेडिएशन नहीं है किसी भी तरह का, किसी तरह का नॉइज नहीं आता है, इवन देयर इज नॉट अ सिंगल बटन। तो आइडिया यही था कि जैसे आप घर पे थर्मोमीटर यूज करते हैं, भले ही आपको डिजीनेस फील हो रही है, आपको लगता है फीवर है या नहीं, बट आप सबसे पहले क्या करते हैं, थर्मोमीटर उठाते हैं, लगा के देखते हैं बुखार तो नहीं है, क्योंकि आपके पास वो एक्सेसिबिलिटी है। वाह,